तनी सुना था का बात बा ठकुराइन? इमरती देखा ना, ये चूल्हा जलत ही नहीं खे। तनी किनारे हटी, हम देखत बानी ठकुराइन। हे भगवान, ये कुल का हो? हम तो शुभ काज शुरू करे जात बानी और ये तू अशुभ संकेत दे पाना। अब आप दोनों फेरा के लिए तैयार हो जाए, खड़ा हो। तो पहला फेरा का अर्थ बा तू दोनों जना एक दूसरे के पोषण और स्वास्थ्य का ख्याल रखी है। अरे सुनो, हे भगवान, आज फिर उनकरा से भेटना भे। तो उनकरे पास सूर्या ठीक बा, जब वो एकरा के लेवे आई है तो भेंट हो ही जाए। माता, हमनी के एक दूसरा के ध्यान रखे के कसम खाई रहने, बाकी तरह का भाई काहे हमरा के धोखा देके चल गई। और दूसर फेरा स्वस्थ जीवन खातिर होला। हम तो हमेशा तहार स्वास्थ्य की कामना करनी माधव, बाकी तू तू हमरा के धोखा देके हमरा के अस्वस्थ कई दे। और तीसरा फेरा धन संपदा खातिर होला। हमार ताहर संबंध है, हमार धन संपदा रहल माधव, ताहर धोखा के बाद हमरा लगी अब कुछो नहीं खे। चौथा फेरा एक दूसरा का प्रेम और आदर खाते होला। हम ताहर संग कबो ना छोड़न चंदा, हम ताहर जिंदगी में उहे रंग भरे जैसे सतरंगी चुड़ी तार हाथ में रंग भरल भी। प्रेम और आदर में हम कबहू कोनो कमी न रखले रहनी, तबहू ऐसा काहे कैला माधव, काहे कैला। अब कन्या पचवा फेरा में आगे चले। अब पचवा फेरा का अर्थ वा पत्नी अपने पति के सुरक्षा स्वास्थ्य और समृद्ध संतान देवे खातिर होला। तारा बेटा चाहिए या बेटी? ये कहे पूछ रहा बड़ा? कहे कि लोग कहला कि लड़की लोग के बेटा पसंद होला और लड़का लोग के बेटी। हमनी के मिलके अपन परिवार और ही संतान के सपना देख ले रहनी, तू तो हमार सपनों लूट ले रहा था। छठवा फेरा नव दंपत्ति के एक दूसरे के सुख और समृद्धि खातिर होला। जब तक ये बासी में तान रही तब तक ले हमेशा साथ रहे। माने? माने ई कि बासी में हमेशा तान रहे और हमेशा हम तरह साथ रहे। अब हम कैसे शांति से जिए माधव? हमार जीवन के शांति तू तो खत्म कर दे ला। सातवां फेरा आखिरी फेरा होला, पति पत्नी का एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण जीवन बितावे खातिर होला। यह हमें कहा कि पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखी है। हम तारा के वचन देते कि तारा साथ में हमेशा रहे, हमेशा। और ये भेंट हम इस संके दोस्ती के आखिरी भेंट है। जिंदगी भर साथ देवे के वचन तो हम तरह से बियाह होके के पहले दे दे ले रहनी माधव। हम तो अपन वचन निभाई नहीं।
बाकी तू तू अपन वचन काहे ना निभाइला काहे माधव। अरे कहाँ जाते रे? बैठ आजा बैठ बैठ बैठ। माधव जॉन तू हमरा साथे कैला का इहे तहार हकीकत बा का हम मूर्ख रही कि तहरा के पहचान न पैनी? तू हमरा के जिंदगी के चौरास्ता पर काहे खड़ा कर देला माधव? हम कहवा जाइए जैसे ला ठकवेल चूल्हा जल गेल पता ना रहो से काहे ना जलत रहा। बहुत ही अच्छा भैली मरती कि तू आ गई लू ना तो पता ना हमें खीर बना पाई कि ना। एकरा में कौन मुश्किल बा ठकुराइन? बाकी हाँ चूल्हा शायद कड़ा हो गए बा रउआ के और कोशिश करे के चाहत रहला तो रउआ साथे ऐसा ना हो तने सुन कोशिश करा से ता जीवन बदल जाला ठकुराइन इत चूल्हा हा। अब कन्या के मांग में सिंदूर भरा ठाकुर साहब। अरे सुमन तनी देखा था सिंदूर कहाँ रखल बा? हाँ माई हमारे सिंदूरदान लो सब सिंदूरदान कर। सुख दुखानी सर्वाणी पया सह विभज्यते यत्तत्त्वं वहं तत्र प्रथमता ब्रवीणम् कुटुंब रक्ष कार्यास्तामि अवान पुत्र हरिदम् आस्ति नास्ति संतुष्टा द्वितीयता द्विहितम्। अब मंगल सूत्र पहनावा ठाकुर साहब। सदैव प्रिय भाषिणी भविष्यामि पदे चैव द्वितीयता द्विहितम्। इहादसायिणो विष्णुनस्त्वां वञ्चिता स्वयम् उभयो प्रतिरक्षणा कस्या षट्रपदे ब्रवे कार्येषु भवा विश्वसाचिनी धर्मार्थः कार्येषु कन्या सप्तपदे ब्रवे। पाक गईल खीर अब बस हमरा के एकरा में सूखा मेवा डाले के बा ठाकुर साहिब की बहुत पसंद बा ऐसन खीर। बहुत बड़ा अपशगुन बिल्कुल का हो रहा राम जी? बेटा तोरा खातिर ठाकुर साहब रोआ खातिर गरीब होके बाकी अपनी बेटी के बियाह में नीमन से नीमन समाना भेंट देवेला। बाकी रही जा तो सब सामान सस्ते धैल बा। हमनी के देखी तनी हमनी के चंदा के का ना देले बनी सन कौनो मुकाबला बा हमनी के ना माई? बस करो सुमन बस करो।
का भइल सुमन तहार घर पर ही तू साक्षात चंदा आ रहल बा और का चाहिए तहरा के हाँ कहा कि हमने के ये सब सामान माधव बाबू खातिर खरीद ले रही जाना खैर जौन बीत गई तो बीत गई ये तो हमने के सौभाग्य बा कि हमार बेटी के ठाकुर साहब जैसन पति मिलल अब वो गली छोड़ा अरे भाई अभी एगो रसम बांच गई बा अब कौन रसम भाई अरे भाई कंगन खोले के रसम उहे तो करे के होई नू कंगन नहीं जा अरे भुला गई लू का ए रसम तो ससुराली जाए के बाद नू होला बाकी अब यहाँ का रसम तो सब पूरा हो गई नू हाँ हाँ सब रसम पूरा हो गई तनी मंदिर से घरे ना गेल रलू बात बात करे खातिर तभी हम पंडित जी कह के बनवा देले रहनी अरे अब तो नया जिंदगी शुरू होल बा बेटा इससे हमरा मालूम बा कि अपने की जो सोचले नहीं था वो ना लेकिन जो तू ही कहले ना बेटा वो दोनों खानदान के मान मर्यादा बचा ले ले माधु माधु के भूल जो बेटा उजोन कैलास ना ओकरा के ना भुलाल जा सके ना ओकरा के भूल जा बेटा एगो बुरा सपना समझ के चला दुल्हन तोरा के कोनो बात के चिंता करे के जरूरत नहीं थे अब हम बानी तहरा लगे तहरा माई चल निर्भय तू हो बैठा वो तरह के छोड़ के कैसे जाए ताकि बबनी कौन बात नहीं की तू बस बाबूजी के ध्यान रखिए और अपन पढ़ाई मन लगा के करिए भौजी तू तो कमाल कही देलू रात भर जाग के इतना दूध उठौलू कि बहुत अकलेता दूध एकदम रबड़ी बन गई होगी एक खीर के देख के कोई कह सकेला कि खीर कितना स्वादिष्ट बनी होगी और कुछ डाले के बा खीर में कि हो गए सब तैयार हो गए खाली ऊपर से काजू डाले के बा ठाकुर साहब के बहुत पसंद बा इमरती वो लोग काल जोन ब्याह में गए रहने वही जैसे विदाई के बाद बस आवते हुई हन हम उन लोग के स्वागत यह खीर से करें इमरती बुझाता कि ठाकुर साहिब और अम्मा जी लोग आ गई ने जाके देखते नहीं हम ये सब करके आवत आई
आवा दुल्हन। देख बेटा, हमरा तो बड़ हवेली में बड़ बड़ लोगन के साथ रह के और अच्छा अच्छा खाए के आदत पड़ गई बा। हमने के एजा काम करे खातिर आयल बानी। हाँ? काम खत्म हो जाए तो हमने के उहे घर वापस चल जाए सर, उहे झोपड़ी जहाँ से हमने के आयल बानी सर। खाली हवेली के दीवार और दरवाजे ही सुंदर बा, बाकी घर के लोग बाप रे, यहाँ रहे वाले लोगन के धमो घुटत हुई, यही जा।